इंसिट्यूज नंबर इज सेवन ट्वेंटी वन सिक्सटी फाइव जी ओल्ड मेल है स्टेटस है पोस्ट राइट हेमिकोलेटमी इज फाइन टू बी टेकिपनिक एंड टेकी कार्डियन दॉर्ड एंड ही हैज़ रिमोटाइड आर्थराइटस एंड हैज़ बीन बेड बाउंड फॉर द लास्ट ईयर बेड रेड एंड पेशेंट है इस जी शोज इसी जी पी सट इज द इनवेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इन डायग्नोजिंग दिस पेशेंट सिटी चेस्ट एक्सरे सिटी एनजियोग्राफी एनजियोग्राफी डॉपलर स्टडी तो राइट हेम क्लेक्टमी हुई थी सर्जरी के बाद पेशेंट बेड बाउंड रहा है फॉर दी लास्ट ईयर तो ये क्या हो सकता है और टैक् काड़ी टैकी अपने की आ रही है सैनिस टैक्की आ रहा है तो ये परमनी अमरीजम का केस होगा बेड बाउंड होने की वजह से और उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं परमानियाजम के लिए सिटी एनजियोग्राफी विल बी डन तो देन इसके बाद टेबल बताया हुआ है कि दीज सिटी बेस्ड डायग्नोस्टिक स्ट्रेटी यूजड इन पेशेंट्स विद सस्पेक्टेड पलमरी एम्बोलिज्म अगर सस्पेक्टेड पलमेंडिया एम्बुलजम है तो डिटर्मिनी पलमरी एम्बोलीज अनलाइकली और पलमेरी एम्बोलिजम लाइकली अगर अनलाइकली है तो ये डी टाइमर ऐसे करवाएंगे अगर लाइकली है पहले देखते हैं उसमें क्या होगा स्पायरल सिटी पलमरिया जोग्राफी एनजियोग्राम सीट पी ए करवाएंगे अगर वो नेगेटिव है तो पलमरिया एम्बोलिजम एक्सक्लूड हो जाएगा अगर पॉजिटिव है तो ये पलमरी एम्बोज हुआ तो इसका मतलब है पलमेरी एम्बोजम के लिए जो कन्फर्मेटिव टेस्ट हुआ वो सीटियन जोग्राफी है सि टी पी ए अगर परमानिया मुजम अनलाइकली है तो डी डायमर्स करवाएंगे डी डायमर्स का डेट्स देखेंगे अगर लेस दें फाइव हंड्रेड नाइनओग्राम है तो परमानिया मुजम एक्सक्लूड हो जाएगा और जबकि परमानियम बुलिजम होने के लिए कितना होगा मोर दैन फाइव हंड्रेड वगैरह मोर दैन फाइव हंड्रेड डी डायमर आई से भी आ रहा है फिर उसके बाद सी टी पी ए करवा के तो परमानुलजम का कन्फर्म हो जाएगा to determine if pulmonary embolism is likely or unlikely uh, we use wells scoring system wells score <laughs> consists of clinical signs of dvt alternative diagnosis less likely than pulmonary embolism अल्टरनेटिव डायग्नोसिस लेस लाइकली दैन पलमरी एम्बोलिज्म और इसके बाद है प्रीवियस पलमारी एम्बोलिज्म हो या डी वी टी हो परिवियस हिस्ट्री हार्ट रेट मोर देन हंड्रेड सर्जरी आर इमोबलाइजेशन विद इन फोर वीक्स और हिमोपसिस है एक्टिव कैंसर है क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी इन क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी पलमरी एम्बोलिजम लाइकली और अनलाइकली तो सेवन ट्वेंटी टू सेवन ट्वेंटी टू पे विच डिसीज इज़ करक्टाइज बाय द न्यूरोबरिट एंगल्स एंड रामाइलाइडोजिशन यूज रिपीट हुआ है पहले भी हमने ये पढ़ा कि न्यूरोबरिट टेंगल्स और रामाइलाइडोजिशन किस में होती है अल्जाइमर्स डिजीज फिजिलिस्टिक डिमेंशिया प्रायोन डिजीज प्राइमिरडोसिस तो अल्साइमर्स डिजीज़ में न्यूरोफेब्रिट एंगल्स होते हैं मोलाइड के डापोजिशन से यूडीपी ग्लोकोराइटासफेस जो होता है इज यूज टू कंजुगेट बिल रूबेन इन द लिवर तो यूडीपी ग्लूकोराटाफेज के थ्रो कंजुगेशन होती है लीवर में एन एब्सोल्यूट डेफिशेंसी वुड रिजल्ट इन विच डिजीज अगर एब्सोल्यूट डेफिशेंसी है तो रोटर सिंड्रोम सिंड्रोमिकल नर्जर सिंड्रोम ड्यूब एन जॉनसन गिलवर्ट सिड्रोम तो एब्सोल्यूट डेफिशेंसी किस केस में हो जाता है क्रिकुलर नर्जर सिंड्रोम विच मलिक्यूल कैन बी यूज टू मैयर जिया फॉर द मोस्ट एक्यूरेटली तो ऑप्शन हैं क्रेटिन गलूकोज स्टेटिन सी तो हमारे पास जो इन है वो मोस्ट एक्यूरेटली और अगर क्लिनिकली देखना हो तो क्लिनिकली होता है इन दर्मिस इज डिराव फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंगसो मीजोडर्म से डरमस ड्राइव होती है सिंगल मोस्ट कॉमन इंडिपेंडेंट फैक्टर कॉजिंग थ्रोबोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट फैक्टर जो कॉज करता है थ्रोम्बोसिस इज़ ऑफ़ फॉलोइंग एक्टीरियल इंजरी टर्ब्यूलेंट फ्लो हाइपर कोगलेबिलिटी ब्लड स्टेसिस तो सिंगल मोस्ट कॉमन इंडिपेंडेंट फैक्टर जो थ्रोम्बोसिस करवा सकता है वो क्या है स्टेसिस ऑफ ब्लड विचले प्रोड्यूस विद डायटर वाइनजामेटिक डी डायलेटर प्रोड्यूस करता है व एंजामेटिक डिकार्बोक्सलेनिस्टोडीन आर्जन वेली तो वो कौन सा होता है ये हिस्टाडीन दिस्टोडीन जो कि डायलेटर प्रोड्यूस करता है और कौन सा रिएक्शन होता है एंजामेटिक डिकार्बोक्सिलेशन के दौरों हिस्टामीन की प्रोडक्शन में हिस्टाडीन यूज होता है और जो कि हिस्टामीन है डायलेटर काज बिनाइन ऑफ द यूरिन रिफेम्पिसिन तो कौन सी होती हैज बिकम वर्स ओवर थ्री डेज तो हीज कोबल स्टोनला ऑफ टार्सल प्लेट्स वट इज योर लाइकली डायग्नोसिस तो कैराटाइटस वर्नल कैराटो कंजक्टवाइटस एक्यूट वायरल कंजक्टवाइटस तो कोबल स्टोन अपेरेंस होती है जिसमें पेपिली ऑफ दी टार्सल प्लेट्स पे और रेड आई है तो ये क्या होता है होता है वर्नल केराटोटाइटस जिसमें कोबल स्टोन होते हैं सेवेंटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी रोड प्राइमरी ग्रेविटा कम्स टू ऑफिस प्राइमरी गैट है प्रेगनेंसी हैज बीन इवेंटफुल हर बीपी रीडिंग इज वन फिफ्टी बाई हंड्रेड एंड ऑन रिपीट मेयरमेंट इट इज वन फिफ्टी बाई हंड्रेड यूरन डिस्ट्रिक इज पॉजिटिव फॉर प्रोटीन वट इज डायग्नोस एक्लैम्शिया जस्टेशनल हाइपर टेंशन हाइपर टेंसिव अरजेंसी प्री एक्म्पशिया तो ये कौन सी स्टेट है प्री एक्लेम्पशिया की स्टेट है और इसके बाद वोमेन हुआ हु अंडरवेंट इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ है फॉर प्रेगनेंसी एक्सपीरियंसड टू लीटर ऑफ ब्लड लॉस सी सेक्शन वेन टवेल शी रिमेन्ड वेल पोस्ट ऑपरेटिवली एंड वाज डिस्चार्ज ऑन थर्ड डे विद ट्विंस

हाइएस्ट रेजिस्टेंस होती है आरटीडियोस में ये टेबल दोबारा रिपीट हुआ है देन इसके बाद है आइडली एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन वैन इन रिलेशन टू सर्जरी एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनस्थीजिया डे ऑफ सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर सर्जिकल प्रोफेलैक्सिस ऐट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनस्थीजिया आइडली एंटीबायोटिक्स तब देते हैं uh, मेन इन लेबर इज़ हैब्बी पॉजिटिव है और इसकी में हैब्बी एंटीजन एंड हैवी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है व्हाट शुड द चिल्ड्रन रिसीव आफ्टर डिलीवरी तो बच्चे को कब लगेगी मीनोग्लोबली इन ऑनली थ्री डोजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फोर डोजेज ऑफ वैक्सीन वैक्सीन एंड मीनोग्लोबली इन इमेजोरिटी एट बर्थ हुई है इमीजिएटली अगर मदर पॉजिटिव हुई तो इमीजिएटली एट बर्थ इमीजिएटली एट बर्थ विल भी गिवन इसके बाद है सेवन थर्टी फोर फिफ्टी फाइव ईयर ओल्ड फीमेल हुआ टू फाइंड वर्ड्स टू फॉर्म हर sentences मतलब बोलने में इसको प्रॉब्लम है राइट पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब लेफ्ट सुपीरियर फ्रंटल लोब लेफ्ट लेटरल फ्रंटल लोब राइट लेटरल फ्रंटल लोब तो ये किस में होता है स्पीच एरिया फ्रंटल लोब में होता है और इसके लेफ्ट लेटरल फ्रंटल लोब में होगा बायलेटरल लेटरल हिडिफोडिनोपैथी इज़ नॉट अ फीचर ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मेज सिंड्रोम टोसिस तो नेक्स्ट ऑप्शन बताया हुआ है टीब्र तो ऑप्शन बाई लेटर हीपैथी किस में नहीं होती के लिम्फोमा में भी होती है मेड सिंड्रोम में नहीं होती टीबी में भी होती है तो मेड सिंड्रोम इसका फीचर नहीं है तो इसमें बता दिया है कि हिला लिम्फरपैथी और यूनिटिफरपैथी किस किस में होती है जो यूनीलेटर हीपैथी है ये प्रेजेंट है इन्फेक्शन हो टीबी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें यूनीलेटर हीपैथी होगी ट्यूमर में लंग्स के ट्यूमर लिफोमा मेट्स लंग्स हेड नेक थायराइड टेस्टिस वास्कुलर में नर्जम प्रोमानीस वायोलेटर में सिलिकोसिस हो इन्फेक्शन टी बी वायरल बैक्टीरियल लिफोम वगैरह और वास्कुलर कंडीशन